हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं आर्यन कुमार स्वागत करता हूँ आपका आज के इस वीडियो में। तो गाइस, आपके फेवरेट ऐप टेक फ्रीडम को मिला है उसका मेजर अपडेट। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली टेक फ्रीडम अपडेट हुआ है वर्जन 2.0 में, और इस अपडेट के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। क्या नए फीचर्स आए हैं, क्या चीज़ें बदली है, क्या लेआउट चेंजेस है, ये सब चीज़ें देखने के लिए, ये सब चीज़ें जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो, और आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी विद प्रैक्टिकल। सो एवरीवन, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ आर्यन कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एआई डेवलपर्स एंड प्रोजेक्ट लीडर ऑफ टेक फ्रीडम। सो गाइस, रिसेंटली हम लोगों ने टेक फ्रीडम का मेजर वर्जन रोल आउट किया है वर्जन 2.0, जिसमें हम लोगों ने एक साथ सात फीचर डाल दिए हैं। 7 फीचर्स एक साथ हम लोगों ने डाले हैं। यस एवरीवन, अब से जब से टेक फ्रीडम का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तब से लेकर अब तक पूरे टेक फ्रीडम में 5 फीचर्स थे, और इस अपडेट के साथ नए 7 फीचर आ गए, तो 7 फीचर्स और नए इंक्लूड हुए हैं। तो टोटल टेक फ्रीडम में अभी 12 फीचर्स है। जी हाँ दोस्तों, ये ऐप इतना यूजफुल हो गया आपके लिए, 12 फीचर्स एक ही सिंगल एप्लीकेशन में आपको मिल जाते हैं, और कोई भी ऐसे वैसे फीचर नहीं है, बहुत ही यूजफुल है विथ एक्सेसिबिलिटी, नो एड्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसके बावजूद 12 फीचर्स होने के बावजूद एप्लीकेशन की साइज़ जो है वो 2.5 MB ही है। सो गाइस, ये बहुत ही कम साइज़ में बहुत अच्छे फीचर्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो आप टेक फ्रीडम को अभी से आप यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो। सो गाइस, एक क्विक नोट फीचर्स की ओर बढ़ने से पहले, सो गाइस, अब से लेकर आप हमें पहले से, जब से टेक फ्रीडम लॉन्च हुआ तब से लेकर अब तक आप हमें कॉन्टेक्ट करने के लिए ईमेल एड्रेस यूज़ करते थे support@tech-freedom.com, बट अब से आप लोग ईमेल एड्रेस यूज़ करेंगे info@videvelopers.com, यानी कि info@videvelopers.com, और videvelopers में कहीं पर भी डॉट नहीं है, और पूरा स्मॉल में लिखना है videvelopers, V फॉर विक्टर, I फॉर इंडिया, videvelopers.com। आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। तो ये हमारा ऑफिशियल ईमेल एड्रेस हम लोगों ने चेंज कर दिया है, तो support@tech-freedom.com पे अभी आपको कोई भी रिप्लाई नहीं मिलेंगे, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा info@videvelopers.com। तो गाइस, ये हमारा ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है। इसके अलावा अभी आप अब तक अगर आप जुड़े नहीं है हमारे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, तो अब तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना केवल 10 सेकंड्स के अंदर आप डन कर सकते हो। तो अभी जुड़िए हमारे टेक्नोलॉजिकल व्हाट्सएप ग्रुप या फिर VID कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो देखते रहिए, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल ही जाएगी। सो गाइस, 7 फीचर एक साथ ऐड हुए हैं, जिसमें सबसे पहला है VID प्लेयर, उसके बाद है ऐप बैकअप, उसके बाद है वॉइस रिकॉर्डर, देन टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर, टेक्स्ट टू इमेज कन्वर्टर, न्यूज़ एंड टेक यूट्यूबर्स, और उसके अलावा साइड फीचर एक्सक्लूसिव स्ट्रीम्स ऐड हुआ है हमारे टेक फ्रीडम में, जो आपके बेटर एक्सेस के लिए हेल्पफुल रहेगा, आपके साथ रहेगा। सो गाइस, ये सारे फीचर्स है जो नए ऐड हुए, इन सब के बारे में मैं बताता हूँ थियोरिकली पहले, उसके बाद अपन प्रैक्टिकल देखते हैं। सो गाइस, VID प्लेयर, तो जो ये VID प्लेयर है गाइस, इसमें आप वीडियो और ऑडियो दोनों को ही प्ले कर सकते हो, और ये बहुत सारे नॉन मीडिया फाइल फॉर्मेट, जैसे कि आप ऑडियो में ले लो, ठीक है, AAC ले लो, आप WAV ले लो, MP3 ले लो, M4A ले लो, कोई भी ऑडियो फाइल को ये प्ले करता है। वीडियो फाइल में भी यही फॉर्मेट, आप कोई भी फॉर्मेट का प्ले करा लो, ये प्ले हो जाता है। इसके अलावा इसकी हाईलाइट ये ओपस को भी प्ले कर सकता है। तो अभी आपके पास जो व्हाट्सएप के वॉइस नोट्स होते हैं उसको आप VID प्लेयर में ओपन करा सकते हो, VID प्लेयर में उसको प्ले करके सुन सकते हो। तो ओपस फाइल फॉर्मेट को भी ये सपोर्ट करता है ऑफिशियली। और इसके अलावा, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो आप बहुत सारी जगह से इस प्लेयर को लोड कर सकते हो। आप अगर चाहो तो फाइल मैनेजर में जाके अपने ऑडियो पे क्लिक करोगे तो वहां पे भी VID प्लेयर लिस्ट में आ जाता है, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप पे हो, वहां से भी कोई ऑडियो प्ले कराओ, वहां पर भी VID प्लेयर आ जाता है लिस्ट में। इसके अलावा VID प्लेयर में अंदर जाके आप अपने सारे ऑडियोज को लिस्ट कर सकते हो और वहां से फिर प्ले कर सकते हो। इसके अलावा आप VID प्लेयर के अंदर जाकर ही ऑडियोज या वीडियोज को सिलेक्ट करके प्ले कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी स्ट्रीमेबल URL है, ठीक है, और आप सुनना चाहते हो उसको VID प्लेयर में, तो आप VID प्लेयर में आके उसको सुन सकते हो, वो स्ट्रीमेबल URL को भी। तो ये VID प्लेयर के बहुत सारे एडवांटेजेस है जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर है ऐप बैकअप।
गाइस अब तक आप एप्लीकेशन को बैकअप करने के लिए बहुत सारी पेड एप्लीकेशंस का यूज़ करते थे या फिर पैसे वेस्ट करते थे, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ होती थी। तो अभी जो हम लोगों ने ये फीचर बनाया है, इस फीचर की हेल्प से आप जो है इजीली अपनी ऐप को बैकअप कर सकते हो और विदाउट पेइंग एनी चार्जेस। तो गाइस ऐप बैकअप जो है इसमें आप लोग को देखने को मिल जाते हैं सारे ऐप और उसका आप बैकअप ले सकते हो। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात करूँ आप लोगों को नेक्स्ट फीचर वॉइस रिकॉर्डर, तो वॉइस रिकॉर्डर जो है उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा शार्प है, हम लोगों ने टेस्ट किया है, बहुत क्लियर क्वालिटी है और ये रिकॉर्ड करता है एडवांस ऑडियो कोडेक फॉर्मेट में, जो कि सबसे एडवांस एंड बहुत ही अच्छा फॉर्मेट माना जाता है। ओके गाइस, और इसके अलावा इसकी जो बीट रेट रहती है वो रहेगी आपकी 320 kbps, तो कमाल की ऑडियो रिकॉर्ड होती है, हाई क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्ड होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ आपकी वॉइस जो है वहाँ पे रिकॉर्ड हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट फीचर है टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर। गाइस इसके लिए तो बहुत सारी पेड एप्लीकेशन है बट हम लोगों ने इसको फ्री रखा है, आप कितने भी कैरेक्टर का ट्रांसलेशन कराओ, कुछ भी कराओ, आपका TTS इंजन, इवन आपको इतना फ्रीडम है कि आप जो TTS इंजन सिलेक्ट करते हो आप उसके साथ उसको ट्रांसलेट करा सकते हो। नेक्स्ट फीचर है टेक्स्ट टू इमेज कन्वर्टर। हर एक ब्लाइंड को ये प्रॉब्लम आती है कि इमेज पे टेक्स्ट कैसे लिखे, तो इसीलिए ये फीचर बनाया गया है टेक्स्ट टू इमेज कन्वर्टर। इसके थ्रू आप जो है अपने टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट करके आप कहीं पर भी शेयर कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके नेक्स्ट फीचर की, तो आप लोग को जानना होता है अराउंड क्या हो रहा है, न्यूज़ में क्या है नया, ये सारी चीज़ें आप लोग को जाननी होती है। तो इसके लिए क्या हो जाता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, बट गाइस अभी आप लोग को ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके अपने ऐप टेक फ्रीडम में ये ऑप्शन आ चुका है कि आप न्यूज़ भी पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट फीचर अगर मैं बात करूँ तो ये स्पेशली टेक यूट्यूबर्स के लिए है जो ब्लाइंड कम्युनिटी में वर्क करते हैं, तो उनके जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनको आप इधर आप रजिस्टर करा सकते हो और बाकी जितने भी लोग हैं वो उस चैनल पे डायरेक्टली वहीं से ही जा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका जो यूट्यूब चैनल अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो उसके लिए लिमिटेशंस है कि आपके चैनल पे 300 सब्सक्राइबर होने चाहिए, इसके अलावा आपका कंटेंट किसी और यूट्यूब चैनल का कॉपी नहीं होना चाहिए और आपका जो कंटेंट है वो वैलिड ब्लाइंड के हेल्पफुल ही होना चाहिए। अगर हमें आपका कंटेंट अच्छा नहीं लगा तो आपके चैनल को हम रजिस्टर नहीं करेंगे। इसके अलावा यही सारे फीचर्स थे, बट इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो ऐड हुए हैं मॉड्स। यस एवरीवन, टेक फ्रीडम में 2 मॉड है। पहले से अगर आप बात करो तो आप क्लासिक मोड का तो यूज़ कर ही रहे थे जिसमें ओपन नेविगेशन ड्रॉअर ऊपर आता है, मोर ऑप्शंस आता है, ये सब चीज़ों का तो आप यूज़ कर रहे थे, बट अभी हम लोगों ने अपडेट 2.0 के साथ लॉन्च किया है एक न्यू मोड जिसको हमने नाम दिया है एस्केलेट मोड। यस एवरीवन, एस्केलेट मोड हम लोगों ने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है और जैसा कि आपने इसका नाम सुना आप समझ ही गए होंगे ये मोड जो है रैपिडली हेल्प करता है, बहुत ही फास्ट ये मोड है, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहती है चीज़ें, बहुत आप क्विक अपनी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा गाइस एक्सक्लूसिव स्ट्रीम्स बोल के एक फीचर ऐड हुआ है जो कि VI डेवलपर्स की ओर से आया है। इसमें हम हमारी ऑफिशियल सीरीज़ चलाएंगे, अभी 2 सीरीज़ लिस्टेड हो चुकी है जिसमें है नाउ इन VI डेवलपर्स एंड VID कास्ट। तो ये जो 2 सीरीज़ है इसके अलावा हम लोग और भी नई सारी सीरीज़ लाएंगे और उधर हम उसके पॉडकास्टिंग करेंगे, उस एपिसोड्स को उधर स्ट्रीम कराएंगे और आप लोगों को हेल्पफुल होंगे वो एपिसोड्स, ऐसे एपिसोड्स वहाँ पे आएंगे, तो उसको केवल और केवल आप टेक फ्रीडम पर ही नहीं केवल टेक फ्रीडम पर ही सुन सकते हो। ओके गाइस, सो ये सारे क्विक ओवरव्यू थे कि आपके लिए क्या नया है। तो इसके अलावा हम लोग जो है आइए चलते हैं अब इसके प्रैक्टिकल की ओर। तो मेरे पास मेरा डिवाइस है। ओके गाइस, सो लेट मी ओपन टेक फ्रीडम। ठीक है, टेक फ्रीडम का लेटेस्ट बिल्ड है मेरे पास, इसको ओपन करूंगा मैं। ठीक है, ये लोड हो चुका है। तो मैं अभी सबसे पहले आप लोगों को स्टार्टिंग से बताऊंगा, इसलिए मैं पहले मोड चेंज कर लूँगा अपना। ओके, जब आप गाइस ओपन करेंगे ठीक है ऐप को, तो आपके लिए एक और परमिशन के लिए पूछा जाएगा, अलाउ टेक फ्रीडम टू रिकॉर्ड ऑडियो, क्योंकि हम लोग वॉइस रिकॉर्डर का फीचर दे रहे हैं तो इसीलिए हमें ऑडियो माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग की परमिशन नीडी होती है, ठीक है। तो इसीलिए वो परमिशन के लिए आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद डायरेक्टली आपके पास ये इंटरफेस ओपन होगा, लॉगिन करने के बाद सिलेक्ट योर मोड टू वर्क विथ टेक फ्रीडम। इसमें है क्लासिक मोड,
एस्केलेट मोड, ठीक है। तो सबसे पहले क्लासिक मोड में जाके है, यस गाइस, आपने कौन सा मोड सिलेक्ट किया वो भी ऐप बता देता है आपको। तो पूरी एक्सेसिबिलिटी है, हाई लेवल एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं इधर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। ये जो है हमारा क्लासिक मोड ओपन हो चुका है। बहुत सारे लेआउट इंप्रूवमेंट्स किए जा चुके हैं टेक फ्रीडम में। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से टेक फ्रीडम को यूज़ करने को मिल जाता है, ठीक है। ओके, ये है नेविगेशन ड्रॉअर, ये है मोर ऑप्शन, ठीक है। अब नेविगेशन ड्रॉअर में जो है इधर मेन फीचर्स बोल के है, इसके अंदर सारे के सारे मेन फीचर्स है। ऐप स्टोर, ब्लॉग्स, ऑडियो बुक्स, वीआईडी प्लेयर, नोटपैड, पासवर्ड सेवर, ऐप बैकअप, वॉइस रिकॉर्डर, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर, टेक्स्ट टू इमेज कन्वर्टर, न्यूज़, टेक यूट्यूबर्स, सेटिंग्स, अकाउंट्स, माई प्रोफाइल, ये पुराना सेक्शन है, ठीक है पूरा। तो अब अगर आप बैक आ जाते हो, ये इधर ये मोर ऑप्शन है, ठीक है। इसमें जाएंगे, इसके अंदर है चेंज मोड, चेक फॉर अपडेट्स। यस एवरीवन, टेक फ्रीडम में अपना अपडेटर बना लिया है। तो अब वर्जन 2.0 के बाद जो भी नई अपडेट आएगी, आपको ऑटोमेटिकली जब भी आप ऐप ओपन करेंगे आपको पता चल जाएगा कि अपडेट आई है, तो आपसे कोई अपडेट मिस ना हो जाए। इधर है शेयर टेक फ्रीडम, आप इसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली टेक फ्रीडम को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। रेट अस 5 स्टार ऑन प्ले स्टोर, आप इधर हमें 5 स्टार रेट कर सकते हो, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इधर है ये एग्जिट, इसका यूज करके आप जो है टेक फ्रीडम को क्लोज कर सकते हो। ओके, सो अभी हम क्लिक करेंगे चेंज मोड पे, ठीक है। और अभी एस्केलेट मोड सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इधर देखिए होम है, ये टाइटल, ठीक है। ये बॉटम नेविगेशन शीट के साथ कनेक्टेड है, तो इसके जो लेआउट है वो यूट्यूब की तरह नीचे, मतलब नेविगेशन रहेगा आपका। होम, फीचर्स, एडिशनल ऑप्शंस एंड अबाउट, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आएंगे नीचे। इधर होम सिलेक्टेड है आपका, तो इधर ऊपर होम दिखाई दे रहा है। आर्यन कुमार, माई अकाउंट्स, जो ये चीज़ें है, ये आपका इधर से आपकी यूज़र प्रोफाइल ओपन होगी, ये ऊपर ही आता है, ठीक है। जैसे आप, अगर मैं बात करूँ YouTube में जिस तरीके से आता है उसी तरीके से। इसके बाद वेलकम डियर यूजर आर्यन कुमार, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव स्ट्रीम्स बटन है, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप हमारी स्ट्रीम्स लोड होगी, ठीक है। एक्सक्लूसिव स्ट्रीम्स, नाउ इन वीआई डेवलपर, वीआईडी कास्ट, ठीक है। ये दो सीरीज हमारी अवेलेबल है, बट इसको मैं प्ले करके नहीं दिखाऊंगा, अभी बैक जाएंगे। इधर है सिलेक्टेड होम, फीचर्स, एडिशनल ऑप्शंस, अबाउट, ठीक है। तो आप फीचर्स पे क्लिक करेंगे, वैसे ही फीचर लोड हो जाएंगे, ठीक है। अब ऊपर आ जाता है ऐप स्टोर, ब्लॉग्स, ऑडियो बुक्स, वीआईडी प्लेयर, ठीक है। ये पूरा एक ग्रिड में डिस्प्ले होता है, तो चलिए वीआईडी प्लेयर को मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये है सिलेक्ट ऑडियो, ठीक है। ये इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपके ऑडियो सारे शो रूट ओपन हो जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करके आप कोई भी ऑडियो सिलेक्ट कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। बैक आएंगे, ओके, यहाँ पे रूट में चला गया, ओके ओके। सिलेक्ट ऑडियो, सिलेक्ट वीडियो, माई ऑडियोज, स्ट्रीम फ्रॉम यूआरएल, ठीक है। माई ऑडियोज पे अगर आप क्लिक करेंगे एंड, ठीक है, इस तरीके से रहता है। और इसके अंदर ये ऑडियो प्लेयर के अंदर जैसे आप कोई ऑडियो पे प्ले पे क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपकी जो चीज़ें हैं वो स्ट्रीम होना स्टार्ट हो जाएंगी ब्राउज होके, ठीक है। वहाँ पर जो है मीडिया प्लेयर के कंट्रोल भी है, पॉज करने के लिए, फास्ट फॉरवर्ड, रिवाइंड, ये सब चीज़ों के लिए भी आपके कंट्रोल मिल जाते हैं, ठीक है। तो अपन बैक आएंगे इधर से, अभी एक यह है ऐप बैकअप, ठीक है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ टाइम का आपको वेट करना होगा, ठीक है, क्योंकि आपके डिवाइस की सारी ऐप्स को वो स्कैन करेगा, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा इसमें, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अभी कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, वेट करना है आपको डिवाइस को जो है यूज़ करना। अभी हाँ, ये लोड हो गया, ठीक है। अभी देखिए इसमें बहुत सारी आपकी ऐप्स जो है उन सभी को लिस्ट कर दिया इसने, ठीक है। ये पूरा आपके ऐप के बारे में इन्फॉर्मेशन बता देता है, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे YouTube पे, ठीक है, एक्शंस फॉर YouTube, आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे टेक बैकअप कोड YouTube कोड, इसके ऊपर डबल टैप करेंगे तो आपका ऐप का जो है बैकअप बहुत ही जल्दी हो जाएगा, विद इन सेकेंड्स, ठीक है। चलिए मैंने देखा विद इन 1 सेकेंड इतनी बड़ी ऐप का बैकअप हो गया।
तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा यू नो रिलायबल है यूज़ करने के लिए। ठीक है, बैक आएंगे, इस तरीके से आप बैकअप ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बैकअप ले लिया। और हाँ, ये याद रखना, ये जाएगा आपके इंटरनेट स्टोरेज स्लैश टेक फ्रीडम स्लैश ऐप बैकअप की डायरेक्टरी में। ठीक है, इसके बाद ये वॉइस रिकॉर्डर, देयर आर वन रिकॉर्डिंग अवेलेबल। तो इसमें भी बॉटम नेविगेशन सीट है, उसमें है माय रिकॉर्डिंग्स न्यू रिकॉर्डिंग, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इधर पूरा एक बटन ओपन हो जाता है, इसके ऊपर है स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। हेलो हेलो, इट्स एन एग्जांपल हाउ द ऑडियो इज कमिंग एंड वी हैव क्रिएटेड ए न्यू ऑडियो रिकॉर्डर फॉर आवर यूजर, सो जस्ट वी आर चेकिंग हाउ इज द ऑडियो ड्यूरिंग द ट्यूटोरियल। ठीक है, इधर स्टॉप रिकॉर्डिंग पे आप क्लिक करेंगे, वैसे ही रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, ओके, अगर आपने रिकॉर्ड कैसे, ठीक है, तो इधर बोला जाएगा कि कैसा रिकॉर्डिंग हुआ है। अगर आपको ये सुनना है तो देखिए, इसके थ्रू आप वी आई डी प्लेयर का भी ओवरव्यू हो जाएगा, क्योंकि वी आई डी प्लेयर में ऐसा ही कंट्रोल आएंगे। ठीक है, जैसे आप ये प्ले रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे, वी आई डी प्लेयर में ही ओपन होगा। चलिए, hello hello it's an example how the audio is coming and we have created a new audio recorder for our user so just we are checking how is the audio during the call। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, इसमें जो ये प्ले कंट्रोल ओपन होता है। ठीक है, वीआईडी प्लेयर, हाई प्ले कंट्रोल, प्ले प्रीवियस ट्रैक, रिवाइंड, प्ले नेक्स्ट ट्रैक, 00:13 सीट कंट्रोल। ठीक है, ये सीट कंट्रोल भी आपका ओपन होता है, सब कुछ ओपन होता है। ठीक है, अगर आप इसको प्ले करते हो तो कुछ ही सेकंड में प्ले कंट्रोल हायर हो जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वापस आपके, तो कुछ ही देर में प्ले कंट्रोल हाइड हो जाते हैं। फिर आप अगर उसको डिस्प्ले कराना चाहते हो तो उधर शो प्ले कंट्रोल का ऑप्शन होता है, जिसके थ्रू आप इसको इजीली विजिबल करा सकते हो। ठीक है, तो पूरा का पूरा स्टैंडर्ड मीडिया प्लेयर है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसको मैं बैक चला जाऊंगा। ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है रिकॉर्डिंग की, आपने सुन लिया होगा, तो पॉडकास्टिंग वगैरह के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, एंड बहुत ही रिलायबल है ये। ठीक है, बैक आएंगे, देखा देयर आर टू रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल, बैक आएंगे। ठीक है, ये है टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट टू कन्वर्ट, जिसमें मैं टी ई एस टी यूज करूंगा। ठीक है, इधर ड्रॉप डाउन लिस्ट में गूगल टेक्स्ट टू स्पीच इंजिन है, कन्वर्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, इसने कन्वर्ट करके दे दिया। ये एक बार जब टी टी एस इंजिन रन होता है गाइज, उस टाइम अगर आप फर्स्ट टाइम कन्वर्ट कराते हो ऐप को ओपन करके, तो 1 सेकंड का टाइम लगता है, क्योंकि टी टी एस इंजिन रन होता है अपने आप में। ठीक है, उसके बाद कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, नल टाइम है आपके लिए। देखिए, देखा, एक बार क्लिक किया, टेस्ट, कन्वर्ट हो गया। तो ये बहुत ही फास्ट कन्वर्जन है। उसके बाद यहाँ पे आउटपुट, सेव आउटपुट का बटन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आउटपुट हैज बीन सेव्ड। तो ये आउटपुट आपका सेव करेगा वेव फॉर्मेट में, टेक फ्रीडम स्लैश टेक्स्ट टू स्पीच में। ठीक है, बैक जाएंगे, टेक्स्ट टू इमेज कन्वर्टर, टेक्स्ट टू कन्वर्ट, इधर भी मैं टेस्ट डालूंगा। चलो इसको हाई लिखते हैं। ठीक है, हाई, इधर कन्वर्ट बटन है, द टेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड एंड फाइल हैज बीन सेव्ड। ठीक है, ये फाइल सेव हो चुकी है, टेक्स्ट कन्वर्ट हो चुका है। ओके, बैक आएंगे, न्यूज पे जाएंगे, इधर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करना है। जैसे मैं क्लिक करूंगा, देयर आर 70 स्टोरीज अवेलेबल। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से स्टोरीज अवेलेबल रहती है, आप सुन सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। बैक जाएंगे अपन, टेक यूट्यूबर्स, ये फीचर भी कमाल का है। चलिए, ठीक है, इधर वन चैनल अभी रजिस्टर है। ठीक है, यूट्यूब चैनल टेक्विसाइन रजिस्टर्ड बाय आर्यन कुमार। ठीक है, इधर ऑप्शन है रजिस्टर माय ऑन यूट्यूब चैनल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अलर्ट, रजिस्टर योर यूट्यूब चैनल, ठीक है, अलर्ट डायलॉग ओपन हो गया है। यूट्यूबर नेम, ठीक है, इधर आपको अपना नाम डालना है जो यूट्यूबर है। यूट्यूब चैनल नेम, इधर आपको अपने चैनल का नाम डालना है। लिंक टू योर यूट्यूब चैनल, ये आपकी यूट्यूब चैनल की URL डालनी है, और ओके पे क्लिक करना है, तो आपकी चैनल रजिस्टर हो जाएगी। फिर एडमिन जैसे उसको अप्रूवल देंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इधर इस तरीके का पूरा URL पूरा सेट है। ठीक है, इसके अलावा चलिए मैं फीचर्स को मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, तो अभी हम लोग एडिशनल ऑप्शन में जाएंगे। इधर देखिए, सेटिंग्स, स्टे एंगेज्ड, चेंज मोड, चेक फॉर अपडेट्स। ठीक है, तो स्टे एंगेज में जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो इमीडिएटली इसके ऊपर क्लिक करेंगे।
ग्रुप टाइप इसमें वीआईडी कम्युनिटी या टेक ग्रुप, ठीक है, टेक ग्रुप सिलेक्ट किया, ज्वाइन पे क्लिक करेंगे वैसे ही आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मैं बैक आऊँगा, ठीक है। चेंज मोड पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको मोड सिलेक्ट करना रहेगा। चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करेंगे, देखिए देयर इज नो अपडेट अवेलेबल। ठीक है, शेयर टेक फ्रीडम रेट अस 5 स्टार ऑन प्ले स्टोर अबाउट, ठीक है, इसमें देखिए टेक फ्रीडम बाय वीआई डेवलपर्स वर्जन इधर आपको दिखाई दे रहा है, वर्जन 2.0 है आप यूज कर रहे हो। अबाउट ऑप्शन, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ प्रोजेक्ट टेक फ्रीडम, यस एवरीवन, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ वीआई डेवलपर्स, वीआई डेवलपर्स की भी वेबसाइट अवेलेबल है videvelopers.com, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो लाया जाएगा। प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ से आप हमारी पढ़ सकते हो, टर्म्स ऑफ यूज पढ़ सकते हो, सेंड फीडबैक पढ़ सकते हो, यहाँ से दे सकते हो, डिस्क्लेमर, और इधर आखिरी ऑप्शन है लॉग आउट का, इसके थ्रू आप लॉग आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और यही सारे जो मेजर लेआउट चेंजेस है वो किए जा चुके हैं टेक फ्रीडम में। सो स्टे ट्यून्ड विद वीआई डेवलपर्स फॉर मोर अपडेट्स, और होप सो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी अपडेट। अगर अपडेट पसंद आई है तो इसको इमीडिएटली टेक फ्रीडम पे जाके 5 स्टार रेट कर दीजिए। इस ऐप में है 12 फीचर्स, अपने दोस्तों को भी बताइए, एंड बहुत ही ब्रॉड ऐप स्टोर है। इसके अलावा ऑडियो बुक्स का बहुत ही बड़ा कलेक्शन है, कंटेंट में कोई कमी नहीं है, डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं है, पूरी तरीके से हम लोगों ने लगा दिया है अपनी पूरी मेहनत लगा दी है। तो बस अभी कमी है, बस आपके 5 स्टार रेटिंग की चाहिए, और 5 स्टार रेट करें और हौसला बढ़ाइए हमारा। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।